बिहार का अगर बच्चा कोई दूसरे राज्य में पढ़ता आराम से हो जाएगा, अरे आराम, या कोई बॉम्बे वम्बे तो बोलता है ना कि भाई ड्रग्स ड्रग्स मत लेना, बहुत बिगाड़ने वाला लोग रहेगा। ज्यादातर सप्लाई कहाँ से हो रहा है? उत्तर प्रदेश और हरियाणा से, जहाँ बीजेपी की सरकार। देखिए ऐसा खबर आया है, अभी तो हमको तो सदन में ही पता चला है कि जो नेता प्रतिपक्ष है उनके समधी के घर से लगभग 108 कार्टून दारू के बोतल, यानी लगभग 1100-1200 शराब के बोतल जो है बरामद किए गए। नमस्कार, मैं नाम प्रकाश है, आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। बिहार विधान मंडल के शीतकालीन सत्र का कल चौथा दिन था और सदन से बाहर निकलते ही तेजस्वी सीधे कोलकाता के लिए उड़ान भर गए। लेकिन पूरे दिन सदन में जहरीली शराब कांड पर नीतीश सरकार सवालों से घिरी रही और विपक्ष के लोग खूब हमला बोलते रहे। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सामने आए और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो पिएगा वो मरेगा। नीतीश कुमार खुलकर कह रहे हैं कि शराब पीने वालों के प्रति कोई संवेदना नहीं है, कोई दुख नहीं है। जो ये गंदी चीज है शराब, जो पी रहा है वो मर रहा है, तो फिर क्यों पीना। नीतीश कुमार ने बड़े ही बारीकी से कहा और भाजपा नेताओं को यह भी कह दिया, कहिए तो शराबबंदी खत्म कर दें। शराबबंदी सबों के सहमति से हुई है और यह आखिरकार सफल हो रहा है, लेकिन जो लोग शराबबंदी कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, जो लोग शराब पी रहे हैं उनकी शराब पीने से मौत हो रही है, तो फिर कैसे संवेदना। तेजस्वी यादव जैसे ही सदन से बाहर निकले उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है। देखिए खबर यह भी है कि नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के एक रिश्तेदार के घर से जो शराब के कारोबार में लिप्त हैं, नाम सामने आया उनका, तेजस्वी यादव इस पर भी बोले हैं, जांच की बात करें। जरा सुनिए तेजस्वी यादव को। आप अपने बच्चों को बोलता है कि नहीं बोलता है, कहता कि नहीं कहता, या बिहार का अगर बच्चा कोई दूसरे राज्य में पढ़ता आराम से हो जाएगा, अरे आराम, या कोई बॉम्बे वम्बे तो बोलता है ना कि भाई ड्रग्स ड्रग्स मत लेना, बहुत बिगाड़ने वाला लोग रहेगा, बोलता है। ये तो खुद को भी आकलन करना है ना, वो तो अधिक जीवन है। लेकिन ज्यादातर सप्लाई कहाँ से हो रहा है? उत्तर प्रदेश और हरियाणा से, जहाँ बीजेपी की सरकार, वो लोग तो कोई कार्रवाई कर नहीं रहे। अब ऐसा देखिए, देखिए ऐसा खबर आया है, अभी तो हमको तो सदन में ही पता चला है कि जो नेता प्रतिपक्ष है उनके समधी के घर से लगभग 108 कार्टून दारू के बोतल, यानी लगभग 1100-1200 शराब के बोतल जो है बरामद किए गए। अगर ऐसी खबर आ रही है सर, इधर सर, हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन सत्यता का, सत्यता की जो है जांच होनी चाहिए। ऐसी खबर आ रही तो उसके सच क्या है? अगर वाकई में सच में पकड़ाया है, गंभीर मामला है, इसमें नेता प्रतिपक्ष क्या करेंगे वो तो उन्हीं को देखेंगे। तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे। छपरा की घटना को लेकर बिहार में सियासी बयानबाजी जारी है, इन सब के बीच तेजस्वी ने कैसे अपने विरोधियों को कल चुप करा दिया, ये तेजस्वी का बयान इस बात को साबित करता है। फिलहाल अपने बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद।